इतिहास की सब किताबें देख लीजिए, लेकिन आज जैसा दौर कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरीके से वायलेंस होता है औरतों के खिलाफ, व्हाट काइंड ऑफ अ सिक्योर एटमॉस्फेयर शी इज गोइंग टू ग्रो अप इन, जहां नफरत की आग पे रोटियां सेकी जा रही हों, व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री इज नॉट इन गुड हेल्थ फॉर द डेमोक्रेसी, जहां अपने ही देशवासियों को जात और धर्म में बांटा जा रहा है, मुसलमान सिख ईसाई है, ये स्थिति पैदा हो गई है कि पूरा देश तबाह हो गया, जहां बेरोजगारी का घुप अंधकार हो और कमर तोड़ महंगाई की मार हो, दो चार बड़ी कंपनियों द्वारा पूरे भारत को लूटा जा रहा है, जहां सपने टूट रहे हो और अपने पीछे छूट रहे हो, नेशन इज इन अ वेरी बैड शेप, वी आर सिक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, कर्ज बाजारी और वहां पे प्लस जीएसटी है, दबाना चाहती है सरकार किसानों को। जब आवाज उठाना और सर उठाकर खड़े होना नामुमकिन हो रहा हो, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इन इंडिया, ऐसे क्रूर दौर विच इज डिवाइडेड एक यात्रा आई है, इस नफरत के अंधेरे को चीर कर क्रांति की मशाल उठाए, कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है, टूटे हुए सपनों को उम्मीद देने, राहुल जी इज द ओनली लाइट इन डार्कनेस, ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है, झुकते कंधों को फिर शान से उठाने, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ही इज रियल, ही इज ग्राउंडेड, ही इज काइंड, नेहरू और गांधी का प्यार का पैगाम फैलाने, मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, इस देश के हर वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाने, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते, टूटते बिखरते इस देश को फिर से जोड़ने हम आए हैं, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब।